यू नो जब से आपकी वो जो इंस्टाग्राम स्टोरीज है, पहले माइक्स माइक्स प्लीज देते, यू नो द वेरी कूल थिंग इज जब भी वरुण अपना गाना सुनते हैं वो गाड़ी में डांस करना शुरू कर देते हैं और फिर वो इंस्टाग्राम स्टोरी बन जाता है. हमने इनके इतने सारे इंस्टाग्राम स्टोरीज कैप्चर किए वरुण, वो फीलिंग क्या होती है, मतलब गाना बजते ही आप ऑटोमेटिकली अंदर से हो जाता है. यू नो ऑनेस्टली ये पहले तो सबको व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टुडे. आले ने बोला आज सैटरडे है, मीडिया को थैंक यू बोलना ही बोलना है कि सैटरडे के दिन सुबह में आए सब लोग. हाँ वीकेंड है ना, ऑफ कोर्स. कल रात को पार्टी किया है? हाँ किसी ने पार्टी किया है? सबने पार्टी किया है. She's partied. Oh, superb. So thank you for being here at the in the 12 in the afternoon. Nice. But you know genuinely अगर मैं कोई भी फिल्म करता हूँ वो फिल्म से एक दो गाने होते हैं जो obviously you like more than the other songs. तो जब मुझे कोई भी गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ. इफ यू प्ले इट एनीवे आई माइट स्टार्ट डांसिंग इवन इफ आई एम ऑन द रोड एंड इट प्लेज आई विल जस्ट लाइक गिव अ लिटिल. आई टेल यू वरुण को खुशी होती है कि मेरा गाना बज रहा है, मेरा गाना बज रहा है, इट्स प्लेइंग. तो इवन आई एम ऑन द फोन विद हिम एंड सडनली द सॉन्ग विल स्टार्ट प्लेइंग. अगर हम लोग कोई इंपॉर्टेंट भी बात कर रहे हैं ना, ही विल स्टॉप टॉकिंग एंड से द सॉन्ग इज प्लेइंग, चेंज, पुट द चैनल. सो इट इज जस्ट इन एक्साइटमेंट, पैशन और एक्साइटमेंट. इट्स ओनली पैशन वरुण, बट वी हैव टू डू समथिंग. टच वुड. This man has till date not given this industry a single follow-up film. Please give him a big round of applause. He's one of the most successful actors of our generation. I think Varun, aap jo bhi karte hai na, wo sa ek midas touch jaisa hota hai. Midas touch. Ho hi jata hai. So I think recreating this song, itna sara dancing, itna sara, you know, trailer bada hi cute tha yaar. Bahut cute laga mein. Is gaane ke piche, Madhuri ji and Sanju Baba, how is that feeling? Matlab, एंड सरोज जी, आई थिंक सब हम सब बहुत नर्वस थे. मी, वरुण, शशांक, बॉस्को हु इज कोरियोग्राफ द सॉन्ग, एंड वी वर ऑल वेरी नर्वस. पर आई थिंक हमारा एक ही एजेंडा था कि हमको रिक्रिएट नहीं करना है, हमको ट्रिब्यूट देना है ऑलमोस्ट. कि हम लोग जब क्लब में होते हैं, आई एम श्योर जिन्होंने भी रात को क्लबिंग किया है, आई एम श्योर जब बॉलीवुड नाइट होता है और अगर कोई पुराना गाना बजता है, वी ऑल गेट सो एक्साइटेड, राइट? तो ये वही है, पुराना गाना बज रहा है, ट्रिब्यूट, यू नो. और आजकल ट्रेंड चल रहा है टू रिक्रिएट द ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, बट व्हाट वी हैव डन इन दिस, व्हाट्स डन ब्यूटीफुली बाय तनिष्क हुज़ आवर म्यूजिक डायरेक्टर, वी हैव रिटेन्ड द ओल्ड वॉइसेस. बप्पीदा की आवाज है, अनुराधा पोडवाल की आवाज है इसमें, अमीन सियानी इज ऑल्सो देयर. सो एनी ऑब्वियसली आरजे आप हो तो आपको पता है हु ही इज अ लेजेंड इन द आरजेइंग वर्ल्ड. अमीन सियानी की भी आवाज है इसमें. सो वी हैव एक्चुअली, इट्स एक्चुअली अ हैशटैग टीबीटी, इट्स एक्चुअली अ थ्रोबैक, एंड बादशाह इज ऑल्सो रैप्ड इन दिस. सो इट्स अ फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू. एंड आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर बॉस्को के ऊपर होगा. ही इज ओवर हियर, इधर छुपे हुए बॉस्को, उधर छुपे हुए. सुभाष घई की टोपी चुरा के आए वो आज, पर क्योंकि बॉस्को, आर यू स्ट्रेस्ड रिक्रिएटिंग दिस सॉन्ग बिकॉज सरोज जी बीइंग द लेजेंडरी कोरियोग्राफर दैट शी इज, झूठ बोल रहा है आदमी, बट नो, आई थिंक वी ऑल वर लिटिल नर्वस ऑब्वियसली, बट दिस इज आवर टेक ऑन इट एंड वी डोंट वांट टू टेक मोर टाइम. आई नो यू ऑल वांट टू सी द सॉन्ग, जज इट, क्रिटिसाइज इट, प्रेज इट, बट ऑनेस्टली हम लोग ने दिल से किया है, लाइक और डिसलाइक इट, यू ऑल कैन से व्हाटएवर यू ऑल वांट, बट वी ऑनेस्टली हैड अ ब्लास्ट डूइंग इट एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट अ थम्स अप फ्रॉम बाबा एंड माधुरी जी. सो लेट्स हैव द सॉन्ग, लेट्स हैव द सॉन्ग, लेट्स हैव द सॉन्ग गाइस, सी इट एंड देन टेल अस व्हाट यू फील. ओके, वंस मोर, बाबा. Boss, magic. Oh, I just think. So, ek kaam karte hain. No, we'll do it live. But I have to do this. I think it's very unfair. I think the two people behind this song who are so important, one is Bosco. We could not have done this song without Bosco. It's so difficult Bosco! To recreate a Sarojkan song. Let's hear it for Bosco, guys. Bosco! Come up on stage.
Come, and the second person and the most important person in this film, I think Shashank Khetan, the director, the actual hero of this film. Please hear it for him. He's the director of Hamki Sharma Ki Dulhaniya. And of Badrinath Ki Dulhaniya. Shashank Khetan. Shashank knows all the hook steps. He doesn't own Khetan fans. He's done it. He's still very, very popular. All right. So, yahan par, what we're going to do is, you're going to teach the audience. I think Bosco should teach everyone. Okay. First, Shashank will teach, I think. Shashank himself used to be a dancer, by the way, guys. Let's do specialized jobs. You do your thing. No, but how are you feeling seeing this? That is fantastic. There's too much pressure when Varun said we're doing Shashank, we got Tamma Tamma. So there was so much pressure on us to recreate this world because I think they're taking some 10 days and that's how I'd rehearse for 19 days. Two months, yeah. Sanju sir told us, we met him last night, he said, "Maine do mahine ke liye rehearsal kiya tha." Shashank was only 4 days. But, Varun, how did Sanju Baba actually tell it to you? Matlab, how did he say it to you? He says, "Yaar, maine to 2 mahine ke liye rehearsal kiya tha." He told Alia to put the speaker on and then Alia took a lot of time and then he told Alia, "Are you drunk or am I drunk?" I think, can you teach us this step? Can you, ho jaye hamare audience hamare liye? So, Bosco, I think you should go before, for it. Before we do that, we can end this with that. Do you guys want to start with the questions first? No. Dance pehle karenge. I think Varun and Alia should show us what they learned from Madhuri ma'am. Yeah, Madhuri ma'am, toast out or something. Show us that. Madhuri ma'am ne humko original hook step sikhaya. Varun, please dikhaiye. Nahin. Chalo. Original kya tha? Yeah, I think jo humme aata hai, hum log wahi karte hai, bhai. Hum log ka grade thoda lower hai. मतलब भाई है सॉरी चलो आ जाओ भाई आ जाओ नहीं हमारा ग्रेड लो नहीं तू डिसाइड कर ले वो मस्त है नहीं पर हमने वर्जन किया इफ यू ऑल हैव नोटिस्ड हमने वो किक वाला स्टेप भी किया था व्हाट है आई कॉट इट ना मैम मैम मैं आपको वैलेंटाइन डे पे बाहर लेके जा रहा हूं इस बार आप हमेशा से मेरी बट यू एक्चुअली गॉट द ओरिजिनल स्टेप आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग नो 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 यू गॉट इट शी इज सेइंग या दैट्स राइट या But it's right, such hai. But okay, Bosco, why don't you show us the Tamma Tamma step? I think, yeah. But music ke saath. कर दे गया अवार्ड वाले भाई दिस वाज फैबुलस अब आपके तरफ से
सांस वापस ले लेते हैं. क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्लीज. आपका नाम लीजिए आपके हाय फिर सवाल पूछिए. वरुण आलिया, मेरा सवाल आपसे है कि पहले वाले गाने की क्या यादें थी आपकी, अगर आपको याद आता हो. चेयर निकाल लेते नहीं चाहिए, हम खड़े रहेंगे. थैंक यू. आप किधर से बोल रहे हो सर? हाँ, आरजे आलोक सर, आप नए नए लुक में आते हैं रोज सर, पार्टी के हिसाब से. हाँ, आज आप कोई दूसरे देश के लग रहे हो. इसका मतलब क्यूबन टुडे, ये लोग ना क्यूबा माफिया लोग. तो फुल रेट्रो वाइब है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है. सॉरी सर. हाँ जी बोलिए. तो पहले वाले गाने की क्या यादें हैं, अगर आपको, अगर आज याद आता है कि संजू बाबा माधुरी स्टेज पे. अगर वो आज ये स्टेज पे होते तो हम लोग ये बिल्डिंग में नहीं होते. पर नो, आई थिंक व्हाट वी डिड वाज, हम लोग ने जाके संजू सर को गाना दिखाया, हम लोग ने जाके माधुरी मैम को गाना दिखाया, एंड दे बोथ गेव अस दैट इनकरेजमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर सो फायर्ड अप टुडे. मोर देन दैट, आई थिंक बप्पी दा, हु इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दिस ट्रैक, ही इज री रिकॉर्डेड हिज वॉइस आफ्टर सो मेनी इयर्स. ये बप्पी दा री रिकॉर्डेड हिज वॉइस, ही इज इन दिस ट्रैक, एंड वेन ही गेव हिज ब्लेसिंग, आई मीन आई स्पोक टू हिम सेइंग तो मेरा बच्चा आया एंड ऑल, सो आई फेल्ट सो गुड अबाउट दैट. एंड संजू सर तो सेड ही इज प्लेड विद आलिया एज अ लिटरली लाइक अ टॉडलर, लाइक as a child. Yeah, as a child, matlab you were a baby. I was a baby when I was, I'm still a baby, but are you become, abhi to Alia badi ho gayi ya nahi badi ho gayi hai? Abhi ho gayi yaar. Nobody's agreeing. Three people have said ho gayi hai. Sab log keh rahe nahi bachchi hai abhi bhi. Aur isme nagin wala, what do I feel? मैं अभी 24 की होने वाली हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हो गई है. 24 पिछले साल से तो बड़ी हो गई हूँ मैं. आलिया, Madhuri is known for a great dancing moves. Was it a little difficult on your part to step into her shoes for this? So maine actually trailer launch pe hi bol diya tha that I am not trying to step into her shoes because that is totally impossible. Obviously bahut, in fact jab hum gaye the unko dikhane ke liye main aise baithi thi wahan pe because I was so nervous kyunki main bahut badi fan hu unki. And Varun was saying, you know Ali, I want to take a video of Madhuri ji, but looking at you I just want to take a video of your expression right now. Matlab Madhuri ma'am aise dekh rahi thi aur Alia Madhuri ma'am ko dekh. Her reaction for 3 minutes, Alia was just like that. The night before that, मेरे को सपने आ रहे थे कि I was supposed to go to a house and I forgot to go and I was getting nightmares and getting so scared because even it's such even a when thing. We went to meet Sanju sir, so we were sitting in the car and Alia told her driver, "Sunil, हाँ बाबा के घर लो, बाबा के. I said, "बाबा के घर तेरे दोस्त हैं क्या? बाबा के घर. One second, I said, "आपको संजय दत्त का घर पता है? He said, "हाँ पता है. Then Sunil, my driver, who's a very big fan of Sanjay Dutt, he told Manoj, who is Varun's driver, "बाबा के घर जाना है. So he is the one who said Baba, not me. No, but everybody calls him Baba, so then, but I said Sanjay Dutt. Can you share some anecdotes, both of you, about your first meeting with both Sanjay and Madhuri as a child? Actually, I have a great. My dad was doing this film with Madhuri ma'am called Yarana, which had Rishi Kapoor and her, and we were shooting in Switzerland. And there would be these long bus rides where we would go, and in the bus we would play the song. Sorry, in the bus we would play the song, and I would remember dancing with her. I would dance a lot with her. So in fact, recently when I met her, she said, "Varun, the way you danced with me in that bus, till date you've never danced on screen like that." Because obviously I was much younger then, and she's like, "The day you do that, that's the time you'll be completely free because you didn't care who I was, what I was. You were just dancing and enjoying yourself." I mean, I didn't, in my brain at that time, I couldn't fathom that I was dancing with the country's biggest star at that moment. But so I've danced with her in a bus. Alia, you had your own version of Chaiya Chaiya, but in a bus. मुझे याद नहीं है exactly. I remember having Sanju around as a kid a lot क्योंकि he spent a lot of time with my father, so he knows me since I was a child. Madhuri ma'am, I think I met when I became an actor only. I don't think I met her. But actually, मुझे बहुत सारे लोग बोलते कि you know I know you since you were so small. But when I was so small, I had no idea who anybody was. I'm still so small only. वरुण इसमें नागिन जैसी लड़की का क्या है कुछ वो फिल्म में डायलॉग सी लड़की सर इसमें नागिन बीन बजाती हुई ये है ना नगीना तो सिर्फ गाने में ही या फिल्म में भी ऐसी कुछ बातें होंगी फिल्म में भी है एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ये जोक चलता था जब मिकी कॉन्ट्रैक्टर इनका मेकअप करते थे ये अपना लिपस्टिक खा जाती थी तो लिपस्टिक डालते थे ये खाना नहीं खाती थी बिकॉज़ शी वाज ट्राइंग टू लूज वेट डोंट से दैट खा लेती थी
So we would call her Nagina. Actually, my pet name is Nagina, but I think उसका इससे कोई relation नहीं है. I think that's all credit to Tanishq Bagchi, who's the music director and who's recreated the song beautifully for us. Amin Siani की आवाज है. He's 90 years old, guys, and he's record this voice is his real voice and he's done it now. So I mean, thank you, Amin Saab, for doing that for us. Thank you. Shashank, hi. Any particular reason for choosing this song? And how did you? And where does this song fit in the movie? Is it just a promotional or like how does? No, it's very much part of the movie. It's as we mentioned earlier, the fact that you know when we go out and we club, and if an old Bollywood song plays, we know the song, we lip sync to the song as well, and we kind of try and do all the popular dance moves. So that's exactly how it is placed in the movie. It's a bunch of friends going out, they're partying, and when they go out partying, it's the song that plays. And the whole idea, even when I met Bosco for the first time, we said that let's not try and create any new dance move, but let's try and give our tribute to the 90s. Let's give a throwback to all the 90s, because what happens is everyone doesn't know the hook step. So they know one hook step, and then we start putting in all the other hook steps of all the other song in the same song. So that was really the idea of recreating it. And why Tamma Tamma? I mean, if someone offers me Tamma Tamma again, I'll do it all over again. It's a fabulous song. You'll I was 9 years old when I heard it the first time. You'll have to do it with me again. Which one? Again with Bosco. Correct. Hi Varun and Alia. The song is fabulous. जब आपको पता चला कि ये सॉन्ग करना है, how much were you excited? And definitely we know कि वरुण एंड आलिया are like very dance freak in fact, like, you know. So how much you enjoy shooting? Dance freak? Free enjoy or freak? Dancing. Yeah. Alia is a freak. I don't know. I was very excited. Varun actually was the one who called me up and said, Alia, we're doing Tamma Tamma. We have to bring our A game on. We have to rehearse. We have to look amazing. We have to look smashing. Because that's what Varun always does. No? He'll always call me up and charge me up. And if I'm even a little bit down, I'll suddenly be up and I'll be all over the place. But that's actually how excited we were. I mean, as Shashank said, if we had given the chance, we'll do it all over again. But I'm glad you guys liked it. Hit hogi, na? Yeah, definitely. Varun, whatever. You know, I'll tell you something very on. This is. It might sound freaky. I knew I'm going to do this song someday in my career. And this happened to me when I was 16 years old, working out with Sanjay Dutt in his own gym. And he had his CD player that time. And there was this Tamma Tamma written on it with Felpen. So it was the original mix version, I mean, of that time. And I said, Sanju sir, can I play this? And I was like, yeah, play. And he was in a ganji and he had this. वेट मारने के लिए वो बैंड पहनते वो पहना हुआ था एंड वी पुट इट ऑन एंड द डंट 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 एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड ही इज डबल माय साइज बट आई वाज लाइक डूड अगर मैं ये गाना करूँगा तो मेरा क्या होगा लोग पागल हो जाएंगे तम्मा तम्मा अगेन आई स्टार्टेड इमेजिनिंग वो बबल आता है एंड इट्स हैपेंड नाउ एंड आई इफ यू ड्रीम इट इट कैन हैपन आई जस्ट यू नो वेरी वेरी फ्रीकी स्टोरी टू दिस इज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग फिल्म मेकिंग इन माय इंस्टीट्यूट वी ऑल 90s फैंस And the minute Tamma Tamma used to play, I was like, this song is going to be in my movie one day. So Whoa. It is so, so freaking. I know all my friends wow. right now are going to be thinking about it. So, But we have to thank T-Series, Bhushan sir for... Absolutely. He promised us that he's going to do the step with us, but I don't think he's come. Bosco, what I have to say about your experience doing this song and when you came to know about this particular song, that this song karna hai, Arun hai, Alia hai. What was your preparation from your side? Actually, Shashank made it very easy. उसने बोला वील रिटेन द स्टेप्स तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था एंड ही ब्रॉट इन अ न्यू आइडिया ही सेड दैट दिस न्यू थिंग दैट्स कॉल्ड मैनिक्विन चैलेंज दैट्स हैपनिंग एंड वी रिटेन दैट एंड इन अ वेरी कूल वे सो वी हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज सो इफ यू सी दैट द ग्लास द वाटर स्पिलिंग वी हैव एक्चुअली यूज वैक्स सो इट्स ऑल इन मिड एयर सो इट्स ऑल लाइव एंड देन देयर इज अ रिकॉर्ड प्लेयर विच वी हंग थ्रू द तंगूस सो आई एम गिविंग ऑल दीज सीक्रेट्स सो दैट यू गाइज नो And yeah, these cool ideas came in and with Alia and Varun, who's a ball of energy, when khade rehte hu, aisa lag raha dance kar rahe. So I think it's fantastic to work with them and recreate this whole world, which was done by legends. So we're proud to be a part of it. Bosco, Alia, Varun. Yeah. Ladies first, bro. Ladies first. आज तुम चौथे कैसे गए? पहले कैसे नहीं गए? हाँ? कुछ गड़बड़ है तबीयत ठीक है नहीं ठीक है हाँ ओके ओके तो हमने देखा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमने देखा बहुत ही एनर्जी दिखाई आप लोगों ने गाने में लेकिन क्योंकि क्योंकि गाने की जो लाइन होती है तू प्रेमी से स्टार्ट होती है और वैलेंटाइन डे भी आने वाला है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग करने वाले हैं आप लोग
बोल दिया। I missed you. ये तुम्हारा जो सवाल मैंने बहुत मिस किया। तू प्रेमी हमारे लिए कौन है वरुण? मैंने तो तू प्रेमी मैं इनको बोल रहा हूँ। रियल लाइफ में कौन है तू प्रेमी? उस कर दा कौन है? मेरे कोई प्रेमी नहीं है भाई। वरुण एंड आलिया आज प्रॉमिस डे भी है तो आज कौन सा भाई प्रॉमिस डे? अरे रोज कोई ना कोई दिन होता है यार, आज एक ही दिन है प्रॉमिस डे। तो आज आप हमको एक प्रॉमिस कीजिए, क्या कि आज के बाद आप प्रेमी के बारे में नहीं पूछेंगे? हाँ? आप तू प्रेमी देखिए बट पूछिएगा नहीं। देखो आज कोई प्रॉमिस डे मेरे को ये सब पता नहीं, आज एक ही दिन है जो मुझे बचपन से दिखाया था, उसका नाम है सैटरडे। प्रॉमिस डे किसने बोला है आज है क्या? अरे देखो यस्टरडे वाज प्रपोज डे, वैलेंटाइन्स वीक, किसने रखा है प्रॉमिस आज तक दुनिया में? वैलेंटाइन्स डे ठीक है, मेरे को क्या क्या प्रॉमिस हुआ था अब तक? नहीं हुआ है मेरे साथ टाइम है। शशांक हाय शशांक मैम, यू आस्क मैम इनको पूछो तो फिर उसके बाद आप लास्ट टू क्वेश्चंस गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम, द सॉन्ग इज स्मैशिंग। थैंक यू, आई विल गिफ्ट यू दिस बॉल। एंड सिंस इट्स सो मच फन, व्हाई डोंट यू शेयर सम फन बिहाइंड द सीन स्टोरीज फ्रॉम द सॉन्ग शूटिंग? वरुण से इट, वरुण आई वाज आउटस्टैंडिंग, सॉरी बट आई एम नॉट अलाउड टू से इट। वरुण से इट, वरुण आई एम अलाउइंग यू से इट, प्रॉमिस कर, प्रॉमिस कर योगे तुम कर सकते हो। Alia cried while we were shooting the song. But that's not a fun anecdote at all. Because of Bosco. It was great fun for us. It was, to see her. Keep quiet. Again? It was not because of Bosco. Thank God. Hello. But yeah, I cried. Varun, what about other songs of the film? Paji, bolo ji. बाकी के गानों के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बाकी के गाने भी बड़े चंगे जी। एक गाना है हमारा हम सफर जो नेक्स्ट रिलीज होने वाला है, जो अखिल एक लड़का है, नया लड़का। हाउ ओल्ड इज ही? अच्छा थोड़ा मेरे को लगा बहुत यंग है तो मैं बोल देता तो इम्पैक्ट होता, बट ही बट नया म्यूजिशियन है एंड ही इज क्रिएट, उसकी खुद की धुन है एंड ही इज क्रिएटेड दैट, वी हैव दैट। देन देयर इज आशिक सरेंडर विच अमाल मलिक हैज डन फॉर अस विच इज एन आउटस्टैंडिंग ट्रैक, एंड देयर इज रोके ना रुके नैना जो एक इमोशनल ट्रैक है जिसने अमाल मलिक ने किया। एक हम लोग ने ये कोशिश की है फिल्म में ऑल द म्यूजिशियंस आर ऑल न्यू बडिंग टैलेंट्स एंड दैट इज द होल, मतलब पूरे फिल्म में जो हमारी क्रू है एवरीवन इज प्रैक्टिकली न्यू। Everybody budding. Shashank, we have some award winners also. One last question, guys. Varun ji, यहाँ पर Varun आपने गोविंदा का बयान सुना होगा, उन्होंने काफी नहीं सुना, आपने नहीं सुना तो मैं बता दूँ, उन्होंने देविद जी के लिए काफी कुछ कहा है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आज promised है। शशांक, yes ma'am, आपने इसमें बप्पी दा को क्यों नहीं रखा? म्यूजिक डायरेक्टर आपने उनकी वॉइस ली, म्यूजिक भी काफी अच्छा है, लेकिन उनको क्यों नहीं रखा? दिस इज लास्ट क्वेश्चन ना गाइस। मैम एक्चुअली वी जस्ट हर्ड अ सॉन्ग, हमारे को ये गाना तनिष ने सुनाया, वी इमीडिएटली रिएक्टेड टू द सॉन्ग एंड द आइडिया वाज दैट ही सिंग्स इट, सो वी डिडंट रियली थिंक सो मच कि हम किसी को अप्रोच करेंगे या वी वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड वी हर्ड दिस सॉन्ग एंड ही अग्रीड टू गिव हिज वॉइस एंड ही डिड इट विद हिज ब्लेसिंग, सो आई थिंक दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट। तनिष सेंड द सॉन्ग टू बप्पीदा, आस्क्ड हिम and Bappida spoke to Tanishq and they had that conversation. I think Bappida gave his own views ki ye bhi kar sakte, so it's a very collaborative effort. This song will always remain Bappida's, it is his song and it will forever be Bappida's song, it will forever be Sanjay Dutt, Madhuri Dixit, Saroj Khan, it is their song. It is just how young people when they hear a song jo purana gana hota hai, jaise आप लोग कभी देवानंद का गाना सुनते हो या दिलीप कुमार का गाना सुनते हो, those memories get refreshed. So same way for us, we go through that nostalgia. Like I was 9 years old when I heard the song for the first time, and I think we feel extremely blessed that all of them have given us their blessings. We are really honored. So उन सब ने बहुत अच्छी चीजें बोली and we are just praying that it works out well for us. Thank you. That will be it. क्या करना? हाँ, फोटो करेंगे उस जाने से पहले। आपने देखा होगा गाने में कि हमने मैनिक्विन चैलेंज किया है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, एक बार हम सब मैनिक्विन चैलेंज कर लेते हैं। हाँ पता है ना मैनिक्विन चैलेंज 50 बार किया होगा। चलो हु इज रिकॉर्डिंग द मैनिक्विन चैलेंज? योर रिकॉर्डिंग, एवरीवन हैज टू फ्रीज, पर कोई अतरंगी पोज में फ्रीज करो। हाँ ऐसे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, तो वो थोड़ी ना होता है मैनिक्विन।
Okay, we're starting. Everybody has to freeze. Huh? Anybody who moves will have to do but some painting. They should stand and create distance. Manoj, you will hit it. All of you, take it and hit it. Just stand and create distance. Last time, I hit it with my friends. Arun, you have to stand on one leg. One leg. Where is Shashank running? Director sahab. Shashank is going to the director sahab, where are you? He's going for a shooting. Okay, ready. Thoda piche. Thank you.